हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और जो मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सकेगी। तो रेड कलर का बटन दबाने के बाद में एक बेल आइकन आता है। ये बेल आइकन इसलिए होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपके पास जब भी वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, एक मैसेज पहुंच जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गई है। इसको जरूर ऑन कर ले। और मैं दिन में 11 के 12 के बीच में एक मैथ की वीडियो अपलोड करता हूँ, शाम के टाइम आपकी रीजनिंग की वीडियो अपलोड होती है, प्लस जी के करंट अफेयर और साइंस की वीडियो अपलोड होती है, प्लस आपका होता है रात को 10 बजे लाइव टेस्ट। ठीक है, 10 बजे लाइव टेस्ट, सभी आपके पास तभी पहुँच पाएंगे जब आपकी बेल आइकन ऑन होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात और, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैं वीडियो बहुत बड़ी अपलोड करता हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जैसे अदर चैनल अपलोड करते हैं छोटी छोटी वीडियो 5-5 मिनट की, 6-6 मिनट की, वैसे मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ अल्फाबेट्स हमारे होते हैं जिनकी इमेज, जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। ठीक है, तो उनको जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ हैं, तो उनमें आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे ए की इमेज आपकी जो मिरर इमेज रहेगी वो वैसी सेम रहेगी। वाटर इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिरर इमेज आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, ए की वैसे ही रहेगी। ठीक है, एच और आई की सेम रहेगी, और एच और आई की सेम रहेगी, ओ की सेम रहेगी, टी की सेम रहेगी, यू की, वी की, डब्लू की, ठीक है, वी की, डब्लू की, एक्स की और वाई की। वाई की, इस वाले वाई की सेम रहेगी, इस वाले वाई की सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इस वाले वाई की चेंज हो जाएगी। चलिए, एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, एक स्मॉल लेटर में किस किस की सेम रहेगी, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें आपकी आई की रहेगी, ठीक है, एल की रहेगी, वी, डब्लू, एक्स की रहेगी। ठीक है, बस एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओ की भी रहेगी। ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जब अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, और आपके जो नंबर्स हैं, नंबर्स में किसकी रहेगी, एक तो जीरो की और एक एट की। ठीक है, इन दो की इमेज, जो मिरर इमेज बनेगी वो सेम बनेगी। ठीक है, ऐसे ही बनेगी दोनों साइड। जैसे मिरर में अगर इमेज बनाई जाए तो एट वैसा ही बनेगा और जीरो भी वैसी ही बनेगी। ठीक है, अभी इनका यूज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, यानी कि वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में क्या डिफरेंस होता है। वाटर इमेज में आपका कुछ नहीं होता। देखिए, जैसे आपका इसका पूछा है इसकी वाटर इमेज क्या होगी, तो बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा कर दो। ठीक है, आप कभी पानी के सामने खड़े हो और पानी में आपकी परछाई दिखे, तो आप कैसे दिखते हैं, एकदम आप उल्टे दिखते हैं ना, एक लंबा सा मतलब दिखाई देती है आपकी परछाई, लंबी सी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें होगी, ये सब कुछ जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। अभी क्वेश्चन मैं बहुत सारे कराने वाला हूँ, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए, इसका कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है कि इस फॉर्मूले में रखो इस इमेज को और आंसर इधर से निकाल लो, ऐसा तो कुछ नहीं है। दो बातें हैं बस, वो आपको याद रखनी है। जो वाटर इमेज होगी वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उल्टी, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, इतनी बात समझिए। जैसे ए है, ठीक है, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अब अल्फाबेट्स की क्या क्या बनेगी वाटर इमेज। तो जैसे ये लिखा है मैंगो, ठीक है, मैंगो की वाटर इमेज क्या बनेगी। देखिए, एक मैं इसमें बताता हूँ ट्रिक क्या होती है। इसमें ट्रिक होती है कि आपको ऑप्शन हटाने होते हैं, ठीक है, कि जो ऑप्शन नहीं है उसको हटा दो। इसमें देखो, जैसे इसकी इमेज बनेगी जस्ट वाटर इमेज में उल्टी बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट का कोई सीरीज चेंज नहीं होने वाली, एम आगे नहीं आएगा, ओ पीछे नहीं जाएगा, तो जैसे ये वाला बिल्कुल कट हो जाएगा, समझे ना बात को। इसमें ये सीरीज वाटर इमेज में एक खास बात होती है, वाटर इमेज में कभी भी सीरीज की मतलब अल्फाबेट चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये होता है मिरर इमेज में, यानी कि एम इधर आ जाएगा फिर ए इधर आ जाएगा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये उल्टे हो जाएंगे, तो ये वाला नहीं हो सकता। दूसरा, ये बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। सी में बात की जाए, ओ ठीक है, जी फिर वैसा का वैसा लिख दिया, जी उल्टा होना था, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बचा कौन सा, डी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लो, ओ वैसा है, जी उल्टा है, एन की बात की जाए वो भी उल्टा है, ए भी ठीक है,
तो सभी ओके है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखिए आर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सिक्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वन आपका उल्टा हो जाएगा, ये भी ठीक है, और सात उल्टा हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये मुझे लग रहा है बिल्कुल यही आंसर आपका है। अगर देखा जाए दूसरा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें ये तो ठीक है पर सिक्स का जो है इन्होंने उल्टा, मतलब वैसे भी उल्टा कर दिया, जैसे ये उल्टा था ये ऐसे उल्टा कराया इन्होंने, ठीक है, यानी कि इमेज बनाई इन्होंने मिरर इमेज, और ये उल्टा कैसे होना था, ये होना था आपका ऐसे उल्टा, ठीक है, सॉरी ऐसे उल्टा, ठीक है, तो ये होना था ऐसे उल्टा जैसे इसमें हो रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका ये वाला है, मैंने आपको बताया, आप एक बार से खुद से ट्राई करिए वोटर इमेज में ये कौन से बनेगी, मैंने बताया ना बिल्कुल उल्टा हो जाना है, तो इसमें इस वाले में क्या बनेगा उल्टा, देखिए ये वाला है तो ये तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही लिख दिया, तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा करना है इसका, इसने सिर्फ इसका उल्टा कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात की जाए, इसमें ब्लैक ही हटा दिया तो इमेज में ब्लैक नहीं हटेगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो वोटर इमेज में बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो इमेज आपको दे रखी है जस्ट अपोजिट कर दो उसकी, ठीक है, यानी कि उल्टी कर दो उसकी, जैसे है जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा उस इमेज में। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत से ऑप्शन तो आपके ऐसे ही हट जाते हैं, जैसे ये बिल्कुल हट जाएगा, इमेज में आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको इमेज दे रखी है ये, तो सबसे पहले तो यही इमेज होनी चाहिए आपके ऑप्शन में, ये ऑप्शन में बिल्कुल कट हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसा दे रखा ये कट हो जाएगा। अब इन्होंने ये इमेज बिल्कुल वैसी की वैसी दे दी और ये इसमें चेंज कर दिया, तो ये भी बिल्कुल कट हो जाएगा। तो आपको आंसर कैसे फाइंड करना है, डायरेक्ट आंसर ये नहीं चेक करना यार कौन सी होगी कौन सी होगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हटाना स्टार्ट कर दो, ये वाली हटाई, ये वाली हटाई, ये वाली हटाई, तो बचा कौन सा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इस वाले को देख लेते हैं, इसमें क्या है, आकृति वाली यानी कि आपकी मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज में मैंने क्या बताया था आपको, मिरर इमेज में आपका ये वाला उल्टा नहीं होगा। मिरर इमेज में कंडीशन देखिए चेंज होती रहती है, चेंज कैसे होगी, अगर मिरर इधर रखा है तो आपकी, देखिए इन्होंने बता दिया ना मिरर इधर रखा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस साइड में बनेगी, ठीक है। और मिरर ये नीचे रख देते तो नीचे रखने का मतलब था कि बिल्कुल वोटर वाली कंडीशन बन जाती, यह उल्टा हो जाता। मिरर इधर रखते तो कंडीशन और अलग बनती, यानी कि इस साइड में रखा जाता, और ऊपर रखते तो अलग कंडीशन बनती। तो मिरर में आपको देखना पड़ेगा कि मिरर किस साइड में रखा है, मिरर वाली कंडीशन में, वोटर वाली में कुछ नहीं देखना, वोटर वाली कंडीशन में आपको सिर्फ देखना है कि नीचे उसकी अपोजिट बननी चाहिए, जो चार ऑप्शन होंगे उसमें अपोजिट बननी चाहिए। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखिए अगर ये वाली कंडीशन है तो इसका अपोजिट बनेगा, ठीक है, यानी कि इस साइड में बनेगी, इस साइड में बनेगी, तो पहले हटाना स्टार्ट कर देते, बिल्कुल नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता बिल्कुल हटा दो, ये वैसा का वैसा दे रखा है, ये हट गया, अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में अगर चेक करोगे तो आपका देखिए ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आ गया, प्लस ये कैसा है और ये कैसा है, एक बार देखे ध्यान से, तो नहीं हो सकता ये भी बिल्कुल भी, देख रहे हैं ना आप ये वाला हम कैसा है हमारी, क्योंकि जो मिरर इमेज होगी उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इमेज एक 0.1% भी चेंज नहीं होगी, इमेज वैसी की वैसी रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या बोला मैंने, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक चीज। दूसरी बात, अगर किसी को मिरर इमेज देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे समझ में आए, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इमेज यहाँ पे रखी आपका, यानी कि मिरर आपका यहाँ रखा है, तो इमेज इधर बनेगी, 100% हो गया, तो आपको ये चीज़ देखनी है, इस साइड में ये इसके नज़दीक है, ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है इसका, ये जो है इसके नज़दीक है, तो इस साइड में भी ये इसके नज़दीक आएगा, और ये इससे दूर है मिरर से, तो इस साइड में भी ये दूर आएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो 100% आंसर सही आएगा, किसी भी मिरर इमेज में आप इसको अप्लाई करना, 100% आंसर सही आएगा। अगर ये इसके नज़दीक रखा है, यानी कि इसके नज़दीक है, तो आंसर नज़दीक, मतलब ये इस साइड में इमेज भी नज़दीक बनेगी, और ये इसके दूर है तो ये भी इसके दूर बनेगी। ट्राई कर लेना कितने भी क्वेश्चन, 100% सही आंसर आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर राइट ये हो जाएगा, ये तीनों
कट कर देंगे। तो मैं आप देख रहे होंगे मैं आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, मैं इनको कट कर रहा हूँ जब उसको राइट आंसर को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उससे आपकी क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन, चार ऑप्शन ये रहे आपके सामने, और देखिए इसमें मिरर इस साइड में ही रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही कर पाते हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहले ऑप्शंस डिस्कार्ड करने हैं, जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको बिल्कुल हटा देना है। ये क्या रखा है भाई, इसको हटा दो बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता कुछ है, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात अगर इसका देखें एक, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि ये डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, और ये उल्टा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला डी, ठीक है, सब कुछ सही है, वैसी इमेज बनेगी, पर डी उल्टा नहीं हुआ तो डी को ये भी हट जाएगा। अब इसकी बात की जाए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कौन सी बनाने, मिरर इमेज, और मिरर इमेज में ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगी कि ये ऊपर चली जाएगी। मिरर इस साइड में रखा है तो इस साइड में आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, जो ये इसके दो ये तीन ये लाइनें हैं ये ऊपर नहीं जाएगी, इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगी, इस साइड में बनेगी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें देख लीजिए डायरेक्शन वहीं की वहीं है सब कुछ, बस आपकी डी इसके पास था पहले भी मिरर के, अभी भी इसके पास ही है, ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब ये चेंज होगा पर इस डायरेक्शन में वहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका भी आंसर। अब मैंने क्या बताया था, मिरर कहाँ पे रखा है, इसमें भी इस साइड में मिरर रखा है, ठीक है, और जो इस साइड में मिरर रखा है तो इसके पास ये है, ये वाला ब्लैंक वाला, ठीक है, ये इसके इधर पास ही आएगा, और ये दूर है तो ये इसके दूर ही रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ से हम दो तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहला देखिए, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं जो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं बी वाला, ये जो ऑप्शन है इसमें ये यहाँ पे है और ये भी इसमें यहीं पे हो गया, तो यानी कि इसके नज़दीक आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी ये भी हट जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको पकड़नी होगी तभी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और देखिए वीडियो को बना रहा हूँ मैं रात को, थोड़ा अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। रात को वीडियो बनाता हूँ, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो ये वाली जो आपके यहाँ पे हो गई, ये वाला ये साइड में ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल वैसे का वैसे रखेंगे, ये तो इन्होंने चेंज कर दिया इसका, पर ये वाली चीज़ इसके पास में ही आएगी। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको अगर मिरर को यहाँ पे रख दूँ ये इसके पास में आ जाएगी, जबकि ये इसके दूर है, तो ये यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। अगर इसमें देखें तो इसमें भी वही सिस्टम हो रहा है, इसमें भी पास में ही है, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ये भी अगर मिरर यहाँ पे रख दूँ ये वाला, तो ये यहाँ पे पास में आ जाएगी, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन सा, ये वाला, ये हट ही गया था, ये भी हट गया, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आशा करता हूँ कि अब तो आपकी समझ में आ गए होंगे। ये वाला देखिए एक बार खुद से ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है। मिरर इसमें भी यहीं पे रखा है, और आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। चलिए इसका भी बताता हूँ मैं आंसर आपको, ये कैसे करना है। मिरर वहीं पे रखा है, ठीक है, तो कैसे अप्रोच करनी है। सबसे पहले बताया था टी इसके पास में है, टी इसके पास में है तो यहाँ पे भी टी पास में ही आएगा। तो पहले पास वाले देख लेते हैं कितने हैं टी के पास वाले, तो यहाँ पे देखें ये भी पास में है, ठीक है, ये भी पास में है, और ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जी आ जाएगा, अगर यहाँ पे मिरर रख देंगे, ये इसे उठा के मैं यहाँ पे रखूँ तो जी यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये भी हट जाए, ये हट जाएगा बिल्कुल, और ये भी पास में है। चलिए तो पास वाला अभी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए एक बार, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए ये तो पास में है, पर इन्होंने ये जो इसके जी के नीचे ये वाला है इसको चेंज नहीं किया, और मिरर में इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जानी थी, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। अब इसमें बात की जाए, इसकी भी डायरेक्शन चेंज नहीं की गई है, तो ये भी हट जाएगा। बस आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है, गलती तो बहुत है इसमें, पर ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के क्वेश्चन करोगे तो आंसर सही लेके आओगे। अब बचेगा यही, ये आंसर आपका सही हो ही जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आंसर सही है, क्योंकि इसमें देखिए टी भी सही है और बाकी ये भी सही है, और जी और सब कुछ देखा जाए एस टी ये भी आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, और आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे और आंसर अब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था ये आपका।
तो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। यार थोड़ी आज मेरी ना तबीयत सही नहीं थी और मैंने रात को बनाई है वीडियो, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट यही है, अगर मिरर इस साइड में रखा है ना और इसके साइड में ये है तो इधर भी ये टी इसके साइड में ही आएगा, एस दूसरे नंबर पे आएगा और जी दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, बस उल्टा हो जाएंगे। और वाटर इमेज में क्या रखना है, यहाँ पे मिरर रखा जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे लिखा होगा यानी कि ए लिखा है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बस वाटर इमेज में और आपकी मिरर इमेज में इतने डिफरेंस होता है। तो आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। और वीडियो छोटी बनानी स्टार्ट कर दूं या बड़ी रखूं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।